हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश किचड़। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चेकलिस्ट मॉड्यूल 2 IBPS कलरक 4 एक्सप्लेनेशन देखेंगे अर्थमेटिक प्लस DI का। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज हिंदी नहीं आई है उसके लिए, सॉरी, थोड़ा सा काम चला लेना। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अमन एंड अंकित इज 3:5। अमन और अंकित की एज का रेशियो क्या है? अमन और अंकित क्या रेशियो है? 3:5, ठीक है। एंड द सम ऑफ द एज ऑफ श्रुति एंड अंकित, श्रुति और अंकित का सम कितना है? 46। इफ आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ श्रुति इज 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द अमन, अमन की प्रेजेंट एज कितनी है? 3 है, तो 3 की 2/3 करोगे तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कब? 10 साल बाद। मतलब ये 10 साल के बाद की एज है किसकी? श्रुति की। श्रुति की 10 साल के बाद की एज है 2 है। अगर ये 3 यूनिट तो ये 5 यूनिट, तो 10 साल बाद श्रुति की एज कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। और अंकित की कितनी देर की है? तो 10 साल बाद 2 यूनिट हो जाएगी, तो श्रुति की प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट माइनस 10 हो जाएगी, प्लस अंकित की कितनी है? 5 यूनिट, बराबर कितना है? 46। 7 यूनिट बराबर कितना हो गया? 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। पूछ क्या रहा है? देन फाइंड द एज ऑफ श्रुति 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद श्रुति की एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज कितनी है श्रुति की? 2 यूनिट माइनस 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू 8, 8 × 2 = 16 माइनस 10 करोगे तो 6 होगी। ये क्या है? प्रजेंट है। 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 + 6 = 21, यानी फर्स्ट का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बस इज 10% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक। बस और ट्रक के स्पीड की बात कर रहे हैं। जो बस की स्पीड है वो 10% ज्यादा है, 10% मतलब 1/10। तो अगर ट्रक की स्पीड 10 हुई तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी? 11, ठीक है। इफ द ट्रक टेक्स 4 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 520 किलोमीटर, अगर ट्रक है ना 520 किलोमीटर कवर करने में, 520 किलोमीटर कवर करने में 4 आवर लेता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया? 130। ये 130 क्या आ गई? ट्रक की स्पीड आ गई। तो 10 की वैल्यू क्या हो गई? 130, मतलब 1 की वैल्यू 13 हो गई, तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 143। तो बस की स्पीड क्या हो गई? 143। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इन 5 आवर, बस 5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? आप कहोगे 143 की स्पीड से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 715। 715 यानी ए आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकना। एक सेकेंड, जस्ट जस्ट जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन 30 आवर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 30 आवर लेती है 480 किलोमीटर जाने में, तो 480/30 करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये क्या हो गई? अपस्ट्रीम स्पीड हो गई। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 16 आ गई, किलोमीटर पर आवर आई है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इट इन 3 आवर। अगर जब स्ट्रीम की स्पीड या करंट की स्पीड जो भी है आपको कितनी देर की है? 4 किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट माइनस करंट होती है, जिसमें करंट कितना है? 4 है, और ये बोट माइनस करंट कितना है? 16 है, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई? 20। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? बोट प्लस करंट। बोट प्लस करंट कितना हो जाएगा? 20 + 4 करोगे तो 24 हो गया, ठीक है। तो 24 की स्पीड से 3 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? आपको 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमिरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 3, देन द फ्रैक्शन बिकम इक्वल टू 4:3। फाइंड द फ्रैक्शन इफ द न्यूमिरेटर वाज डिक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर वाज डिक्रीज्ड बाय 2।
न्यूमिनेटर है ना ये कितना, 5 ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर एक्स है तो न्यूमिनेटर कितना हो गया, एक्स प्लस 5 हो गया। अगर इसी के अंदर ये न्यूमिनेटर को 2 से इंक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर को 3 से डिक्रीज कर दिया, इतना हो गया, ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, आप कहोगे 4/3 के, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 3 इक्वल में कितना हो गया, 4/3 हो गया। अब ये एक इक्वेशन बन गई, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन इफ द न्यूमिरेटर वाज डिक्रीज्ड बाय, न्यूमिरेटर पहले एक्स प्लस 5 था, अब कितना है, और डिनोमिनेटर एक्स था, अब न्यूमिरेटर को तो 1 से डिक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर को 2 से इंक्रीज कर दिया, 2 से डिक्रीज कर दिया सॉरी, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखनी है, वैल्यू आ जाएगी। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, या तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 और 4 से, या फिर ऐसे नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, रेशियो में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है ओरिजिनल में, देखोगे एक्स तो एकदम पॉइंट हो गया कोई भी, जैसे मान लो 8 हो गया एक्स, 8 से 8 प्लस 7 यानी 15 हो गया, 8 माइनस 3 करोगे तो कितना हो गया, 5 हो गया, 5 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 10, यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, 10, रेशियो में 1 का, तो 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू क्या हो गई 40, 3 की वैल्यू क्या हो गई 30, तो किस में 7 ऐड करूंगी 40 आ जाए, आपका हो गया 33, किसमें 3, किसमें से 3 माइनस करूंगी 30 आ जाए, आपको हो गया 33, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 33 आ गई, तो 33 प्लस 4 कितना हो गया 37, और 33 माइनस 2 कितना हो गया 31, ये आ जाएगी 37/31, फोर्थ का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्मड बाय द वर्ड मेंस इफ ऑल द वोवल्स कम टुगेदर, मेंस मेंस का सेशन है ना, एक डेली वीडियो आ रही है जिसके अंदर दो दो डीआई होती हैं, वो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट कर लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा। इस मेंस के अंदर वोवल कितने हैं, आपको होंगे 2 वोवल है, ए और आई, ये दोनों एक साथ आने चाहिए, मैंने मान लिया ए और आई दो नहीं सिर्फ एक ही है, ये इतना ही पेयर है, मान लो ये कोई नई नया ही आया है, मान लो एक्स था ये, ठीक है, तो एक तो हो गया एन, एक हो गया एक्स, एक हो गया एन और एक एस, 4 वर्ड हो गए, 4 लेटर हो गए, इन 4 लेटर को आपस में चेंज करने, आपस में मतलब वर्ड बनाने का तरीका कितना हो गया, 4 का फैक्टोरियल, बट ठीक है ये ए आई का एक तो है, बट ये आई और ए भी तो हो सकता है, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल मल्टीपल हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 × 3 × 2 और ये 2, 12 12 2 24 24 2 48, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द टाइम टेकन बाय अभिषेक टू कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इज 15 डेज, जो अभिषेक है ना सेवेंटी फाइव परसेंट काम करने में कितना टाइम लेता है, 15 डेज ले रहा है, तो 25% काम करने में कितने दिन लेगा, आपको होगी 5, तो 100% काम करने में कितना दिन ले लेगा, 20 डेज, एंड द टाइम टेकन बाय अधिराज टू कंप्लीट द 11.11% ऑफ द वर्क इज 2 डेज, कौन है अधिराज, 11.11% कितना होता है, आप हो गए 1/9, 1/9 का 1 काम पूरा करने में कितने टाइम लगता है, 2 दिन, तो 9 कंप्लीट काम पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे, 18 डेज, फाइंड द टाइम टेकन बाई बोथ ऑफ देम इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद अभिषेक, अभिषेक से ये स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो ये देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम क्या होता है एलसीएम, 20 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 18 का एलसीएम 180, तो अभिषेक की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9, अधिराज की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 आ गई, अब पहले दिन अभिषेक काम कर रहे हैं, दूसरे दिन अधिराज काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन अभिषेक काम कर रहा है, चौथे दिन अधिराज काम कर रहा है, फिर पांचवें दिन अभिषेक काम कर रहा है, छठे दिन अधिराज काम कर रहा है, मतलब 2 दिन में टोटल देखे तो 19 19 काम होता है,
टोटल काम कितना पूरा करना है? 180। 2 दिन में कितना काम होता है? 19 काम पूरा होता है। 20 ने मांगा 180, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो 19 काम को 9 गुना करोगे, अगर इसको भी 9 गुना करोगे तो ये भी 9 गुना हो जाएगा। ये तो कितने हो गए? 18 डेज हो गए। और ये काम कितना हो गया? 171 हो गया, ठीक है। 18 डेज मतलब दो दो दिन का सारे पेयर हो गए। अब बारी किसकी आएगी? वापस अभिषेक की बारी आएगी। अभिषेक की बारी आएगी तो नेक्स्ट डे अभिषेक कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। और ये कितना काम कितना टाइम लगेगा? 1 दिन लगेगा। 171 प्लस 9 कितना काम हो गया? टोटल 180 काम हो गया। इतना ही करना था। टाइम कितना हो गया टोटल देखेंगे तो 19 डेज हो गए। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th देखते हैं। समिता एंड सीका एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 30,000 और 25,000 रेस्पेक्टिवली। किशोर ज्वाइन देम आफ्टर 8 मंथ्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000। इफ एट द एंड ऑफ 2 ईयर दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ, 2 ईयर के बाद की बात कर रहे हैं, पहले जो कट रहा है वो काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो सब जगह कट गई। फिर 5 से कट रहा है तो ये तो 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। कौन कौन है? समिता, दीखा और किशोर। समिता कितना है? 6। दीखा का कितना है? 5। और किशोर का 9। जब भी प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। टाइम कितना है? समिता के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब 24 मंथ हो गए पूरे। दीखा के बारे में कुछ नहीं बोला, 24 मंथ। बट किशोर का पता है 8 मंथ के बाद आ रहा है, 8 मंथ लेट आ रहा है, तो 24 मंथ टोटल थे, 8 मंथ लेट यानी 16 मंथ हो गया। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब जो कट रहा है वो काट दो, 8 से कट रहा है, 3 3 2 3 3 वापिस कट रहा है, 3 से 3 गया और ये यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? रेशियो 6:5 रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। इसने क्या बोला है? टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25,55,00। देन फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ स्मिता एंड सिका। स्मिता और सिका का प्रॉफिट कितना है? 11। 11 की वैल्यू चाहिए अपने को। टोटल कितना हो रहा है? 6 6 12 और 5 17। 17 की वैल्यू कितनी है? 2,55,00। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 से कट, डिवाइड बाई 17 × 11। 17 से करोगे तो ये कितना हो गया? 17 × 1 = 17, 85 17 5 = 85। फिर आगे तो पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है ना ये, शायद 1,0,15 मतलब गलती से आया भाई, ये इतना ही है, ये जो वैल्यू है ना ये इतनी ही है, ये इतनी ही अगर वैल्यू हो गई तो ये 15 पे कट गया, 1500 आ गया। 1500 × 11 करोगे तो कितना हो गया? 16,500, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। डी आंसर दे रखा है बिल्कुल। तो ये 255,00 था ना कि 2,55,00 है। अगर 2,55,00 मानोगे तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि 2,55,500 है, ऑप्शन दे रखे हैं 20,000। 20,000 कैसे हो सकता है जब 17 की वैल्यू ही 2 लाख है, लगभग मतलब 2.5 लाख है, वैसे तो 2.5 लाख से भी ऊपर है। तो 11 की वैल्यू क्या 10,000 के आसपास आ जाएगी? 20,000 के आसपास आ जाएगी? नहीं आ सकती। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एट RS 1980। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन MP एंड SP। SP कितना दे रखा है आपको? 1980 दे रखा है। SP क्या होता है? 6, मतलब 6 नहीं होता इसमें। इसने क्या बोला? 20% प्रॉफिट पे बेचा। 20% क्या होता है? 1/5। इसमें 5 क्या हो गया? CP हो गया। 1 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो SP कितना हो गया? 6 हो गया। 6 की वैल्यू कितनी है? 1980 मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 330। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 1650, राइट। तो ये क्या आ गया?
सिप्पी आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, जो मार्केट प्राइस है ना वो 15% ज्यादा है, किससे, सिप्पी से। तो एमपी कितना आ जाएगा, 1650 का 15% ज्यादा मतलब 115/100 कर दो, 10 से 10 पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो 165 × 115 कितना हो गया, 165 क्या होता है, 165 क्या होता है, 15 × 11 होता है, राइट। 15 × 115 करोगे तो कितना हो गया, 1725 × 11। अब आप कहोगे ये 1725 कैसे रख दिया, ये तो करना था। 15 × 15 कितना हो गया, 225, 15 और 2 1725, 1725 × 11 कितना होता है, 5, 5, 7, 9, 8 डिवाइड बाई 10 यानी 1897.5 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, एमपी और एसपी में डिफरेंस, एसपी ज्यादा है एमपी से, ऐसा कैसे हो सकता है, एसपी ज्यादा कैसे हो गया एमपी से, 1980 1/5 तो 6, 6 की वैल्यू तो 6 × 3 = 18, 330, 0, 5, 3, 15, 5, 8 लगी, 5, 3, 15 और 1650, ठीक है। अबोव पे मार्क कब किया है, तो ये तो ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया, इसमें तो ऑटोमेटिक ही ज्यादा हो गया, क्यों क्यों ज्यादा हो गया बताऊं, क्योंकि जब उसने सीपी के ऊपर प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कमाता है, कितना कमाया, 20%, तो क्या आया एसपी आया। जब मार्कअप किया तो मार्कअप कितना किया, 15%, तो क्या आया एमपी आया। मार्कअप भी सीपी पे ही होता है, तो जब 15 ही% 20% से कम है तो ऑटोमेटिक कम आना है, तो ये कितना कम हो गया। आप कहोगे 1980 − 1897.5 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.582 × 10 82.5 आंसर आ जाएगा, 82.5 यानी सी आंसर आ जाएगा। टेक्निकली सही नहीं है, बट मतलब मार्कअप से कौन सा सेलिंग प्राइस ज्यादा दुकानदार ले नहीं सकता, जो वस्तु के ऊपर मूल्य लिखा हुआ है ना उससे ज्यादा दुकानदार रुपए कभी भी नहीं ले सकता आपसे, ये एक लॉ भी है। ज्यादा तो अपने को लॉ के बारे में नहीं पता, नहीं जाएंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज 2508 cm². सिलेंडर एक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, वो कितना दे रखा है, 2508 दे रखा है आपको, तो 2 × 22/7, आर कितना दे रखा है, 21, एच निकालना है, ये कितना हो गया 2508, तो 7 से ये कट गया, ये 3 हो गया, 3 से इधर कट करेंगे तो 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9, 836 आ गया, 2 से कट किया तो ये कितना आ गया, 418 आ गया, 22 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 × 1 = 1, 2209 = 31, 198 198 यानी 9, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर व्हिच साइड इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट से उस स्क्वायर की जो साइड है ना वो कितनी ज्यादा है, 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, और चारों साइड का सम कितना हो गया, 22 22 22 22 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, चारों 22 हो गए ना, 88 सेंटीमीटर नाइन्थ का ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th देखते हैं। इस शॉपकीपर सोल्ड द वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 23%, हैड ही सोल्ड द इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ही वुड हैव गेन्ड आरएस 480 लेस, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8%। इस शॉपकीपर सोल्ड द वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 23, अगर 100 वॉच की वैल्यू 100 थी तो ये 23 के प्रॉफिट यानी 123 पे सोल्ड कर रहा है,
had he sold that it at a profit of 15%, he would have gained 400 सिलेन. क्या अगर ये 15% के ही प्रॉफिट पे सेल करता इतना हो जाता. सीपी और एसपी, जितना एसपी कम हो गया उतना ही तो वो कम कमाएगा. तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 480, मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी, 60 आ गई. देन फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ इट एट ए लॉस ऑफ 8%. सीपी कितना आ गया इसका, 6000 आ गया, क्योंकि 100 की 1 की वैल्यू 60, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 6000 होगी. अब ये एसपी क्या पूछ रहा है, जब ये 8% लॉस पे सेल करे, 8% लॉस मतलब 92% पे सेल करे, 20 से 20 कट गए, 0 दूनी 12, 55 20 आ गया, 55 20 यानी 10th का बी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अमीषा स्पेंड 30% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन शॉपिंग, सी इन्वेस्ट 20% ऑफ द रिमेनिंग इन एसआई स्कीम एंड सेव 10,080. फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय हर ऑन शॉपिंग. अमीषा के पास कुछ सैलरी थी, 100 रुपए सैलरी थी, इसमें से 30% इसमें किसने सेल कर दी, फूड पे 30 रुपए. अब रिमेनिंग कितने रह गए इसके पास, 70, 70 का इसने 25% निकालोगे तो वो किस पे, तो 70 का 25% कितना हो गया, 35/2 यानी 17.5. ये किस पे खर्च कर दिया, शॉपिंग पे, ठीक है 17.5 का. अब 17.5 कम हो गया तो कितना हो जाएगा ये, 52.5, इसका 20% इस पे लगा दिया एसआई स्कीम पे, तो 20% कितना हो गया, 10.5 इस पे एसआई के ऊपर, ठीक है. रिमेनिंग कितना रह गया, 42. इस 42 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10,080. तो पूछ रहे शॉपिंग पे कितने खर्च किए, 17.5 की वैल्यू, तो 10 एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,080 डिवाइड बाई 42, तो 17.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.88, एक नीचे 0 आ गया, तो 5 से कट कर दोगे तो ये 2 और ये 5 3 15 35, 7 से कट किया तो 5 और ये 6 आ गया, 6 2 12, 12 से कट करोगे तो 12 × 96 40, 1200 49, 840 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1600 1680, तो 2 गुना होता है, 5 गुना करना है तो कितना आ जाएगा, 4200 4200, यानी सी आंसर हो जाएगा. तो अब तुम्हें क्या लगता है, हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ, नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, अपोजिट स्टार्ट करेंगे. जब रिमेनिंग उसके पास, जब सी इन्वेस्ट 20% ऑफ द रिमेनिंग इन एसआई स्कीम एंड सेव दिसा, जब उसने 20% खर्च कर दिए एसआई के ऊपर, तो उसके पास रिमेनिंग कितना रहा होगा, 80% रहा होगा. ये 80% किसकी वैल्यू है, 10,080. तो 100% कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10,080 डिवाइड बाई 80 × 5, 100 कर दो तो 5/4, ये कितना हो गया, 4 × 2 = 8, 25 × 5 कितना हो गया, 0 × 5 = 10, 25 × 25 और 12,600 रुपये आ गए. कब आ गए, जब तक उसने सिर्फ शॉपिंग पे इन्वेस्ट किए थे, जब तक सिर्फ उसने शॉपिंग पे इन्वेस्ट किए थे. अब उसके पास मतलब 12,600 रुपये बच गए जब उसने शॉपिंग पे खर्च कर दिए उसके बाद, राइट. उसके पास यहाँ से पढ़ो, 25% उसने किस पे खर्च कर दिए, शॉपिंग पे खर्च कर दिए, ठीक है. तो रिमेनिंग कितने रहे, 75%. 75% की वैल्यू क्या दे दी आपको, 12,600. पूछ क्या रहे आपसे शॉपिंग की, तो पूछ रहे शॉपिंग पे कितने खर्च किए हैं, 25%. 25% यानी इसका 1/3, 12,600 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 5:4. क्या ये सीपी, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 3:2, ठीक है. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 560,
की कॉस्ट प्राइस कितनी दे दी? 560 दे दी। मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई? 280। तो तीन की वैल्यू क्या हो गई? 840। मतलब बी की कॉस्ट प्राइस 840, मतलब चार की वैल्यू भी 840, तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 210। तो पांच की वैल्यू क्या हो गई? 1050। देन फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी व्हेन दे आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। 1050 को 10% के प्रॉफिट पे सेल किया, 1050 का 10% कितना होता है? 105। 105 प्रॉफिट पे, मतलब 1155 के ऊपर। बी को किस पे किया? 20% प्रॉफिट के ऊपर। 840 का 20% कितना हो गया? 168। 168 840 में ऐड करोगे तो कितना हो गया? 1008 हो गया। और सम कितना हो जाएगा ए और बी का? सम कितना हो जाएगा? 55 और 8 63 1, 2163। 2163 यानी सी आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे ना करना चाहो तो वो रेशियो मर्ज वाला भी कर सकते हो। ए रेशियो बी कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है, नहीं सॉरी 5:4। बी रेशियो सी कितना दे रखा है आपको? 3:2 दे रखा है। तो क्या बी दोनों जगह अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मर्ज कर लो। तो कितना हो गया? 12 हो गया बी। अगर बी 12, मतलब 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, तो सी की वैल्यू 2 की वैल्यू कितनी होगी? 8। 4 की वैल्यू 12, मतलब 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 15। 12 8, इसमें से 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको पास? 560। मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी? 70 होगी। 12 की वैल्यू क्या होगी? 840। और 15 की वैल्यू क्या होगी? 1050। तो यहाँ से भी देख सकते हो, 1050 का 10% प्रॉफिट मतलब 1155, 840 का 20% प्रॉफिट मतलब 168, कितना हो गया? 1008। दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 2163। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू इज 16 मोर देन द ए एंड द एवरेज ऑफ देम इज 37। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 6 अपॉन क्यू प्लस 5। क्यू है ना, वो 16 ज्यादा है इससे, तो क्यू में से अगर 16 कम कर दोगे तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब क्यू माइनस ए कितना दे रखा आपको? 16 दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है दोनों का? 37। मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा? डबल 74। तो अब एक बात बताना, यहाँ से क्या क्यू और ए नहीं आ सकता? जैसे वैसे करना, वैसे बोट में करते हो ना, अपस्ट्रीम स्पीड बोट माइनस करंट बराबर 10, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट प्लस करंट बराबर 14। तो बोट की स्पीड कैसे आती है? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो यहाँ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों को ऐड करो, 70 प्लस 16 कितना हो गया? 90। 90/2 45। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू क्या होती है? दोनों का डिफरेंस करके डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस करो, 74 माइनस 14 60, 60 माइनस 2 58, 58 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ गया? 29। क्यू बराबर 45, ए बराबर 29। ए प्लस 6 कितना हो जाएगा? 29 प्लस 6 35। क्यू प्लस 5 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 5 40। तो 35/40 कितना हो गया? 7/8। 45 और 5 50 होगा ना, 45 माइनस 5 कर दिए, 45 और 5 50, 5 से कट करोगे तो 7/10 आ जाएगा, यानी 13th में बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेंस RS1, RS2 एंड RS5 कॉइंस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइंस, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, ये कितने हैं? 2:3, 3:5। अगर 1 रुपए वाले 2 सिक्के हैं, मान लो यही ओरिजिनल थे मेरे पास, इतने ही सिक्के हैं बैग में, ठीक है, 1 रुपए के कितने रुपए हो गए टोटल? 2 सिक्के मतलब 2 रुपए हो गए। 2 रुपए वाले सिक्के के कितने टोटल रुपए हो गए? 6 रुपए हो गए। 5 रुपए वाले के कितने रुपए हो गए टोटल? 25 रुपए हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए बैग में? 25 और 6 31, 2 33 हो जाएगा। बट ये तो कह रहे 33 नहीं, 990। मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई। 30 हो गई तो ये 2 की वैल्यू क्या होगी? 60। 3 की वैल्यू 90, 5 की वैल्यू 150। देन फाइंड द नंबर ऑफ आर एस 5 कॉइन, आर एस 5 के कॉइन कितने हो गए?
150 यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, थ्री पीपल जॉन कपिल कार्तिक डू ए वर्क 14 डेज एंड गेट ए टोटल ऑफ 29,400 रुपए। इफ द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी ऑफ 6, 7, 8 देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय कार्तिक फॉर 3 डेज वर्क। तीनों ने 14 14 14 डेज काम किया, तीनों ने 14 14 14 डेज काम किया तब जाके उनको कितने रुपए मिल रहे हैं, 29,400 रुपए मिल रहे हैं 14 डेज के। एक दिन के कितने रुपए हो जाएंगे आप कहोगे, 294 00 डिवाइड बाई 14 कर दो तो कितने हो गए, 2100 रुपए मिलेंगे एक दिन के तीनों को। किस में मिलेंगे, एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेंगे या एक दिन का जितना काम किया। अगर 6 की एफिशिएंसी से एक दिन में कितना काम करेगा, 6, 7 की एफिशिएंसी से एक दिन में 7, 8 की एफिशिएंसी से एक दिन में 8 काम करेगा, टोटल कितना काम हो गया, 8, 7, 15 और 6, 21। 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2100, मतलब 1 की वैल्यू क्या हो गई 100। तो इसको ये कौन है, जॉन, जॉन को कितने रुपए मिलेंगे 600, कपिल को 700 एक दिन के और कार्तिक को 800 रुपए मिलेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कार्तिक को 3 दिन के कितने मिलेंगे, एक दिन के 800 तो 3 दिन के कितने हो गए 2100, यानी सी आंसर हो जाएगा 15th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर यूज टू सेल ए प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। 50% के प्रॉफिट मतलब 1/2, अगर सीपी 2 है एसपी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इफ आफ्टर ए नेगोटिएशन 250 एक कस्टमर पेड 7,250 फॉर इट देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्या बतानी है, कॉस्ट प्राइस बतानी है, जब 250 रुपये उसने कम कर दिए। उन्होंने मतलब जो अपने इंडिया में नहीं करते क्या बार्गेनिंग करके 250 रुपये कम करा लिए उसने, 250 रुपये कम करा लिए, फिर 7,250 रुपये पे कर रहे हैं, मतलब उसको टोटल कितना पे करना चाहिए था तब जाके वो 50% का प्रॉफिट कमाता। आप कहोगे 7500, तो एसपी क्या हो गया 7500, तो 3 की वैल्यू 7500, मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी 2500, तो एसपी क्या हो जाएगा 2 की वैल्यू 5000, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन एट ए रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज आरएस 1085। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल सीआई की बात कर रहे हैं, 12.5% क्या होता है आपको, 1/8 होता है, मतलब आप मान लो प्रिंसिपल कितना था, 3 साल की बात कर रहे हैं तो 8 का क्यूब मान लो कितना 512, 512 का 1/8 कितना हो जाएगा 64 का 1/8 8 और 8 का 1/8 1 हो गया। मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 3 1 से, हर वीडियो में समझा रहा हूँ 3 3 1 कहाँ से आ रहा है, 64 × 3 कितना हो गया 132, 8 × 3 कितना हो गया 24 और 1 × 1 कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 4 1 5 2 7 13 2 15 157, 157 की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं 1085 बोल रहे हैं, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 7 749। अगर ये 155 हो तो सही आएगा आंसर, बिल्कुल कटेगा, 155 होगा तो 7 गुना। इफ अगर ये 155 होता तो देखता हूँ मैं क्या आ रहा है, 155 होता तो 7 गुना हो जाता। कुछ कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, 512 का 7 गुना कितना हो जाएगा 40 84 हो जाएगा, जो तो आसपास भी नहीं है। द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन एट ए रेट ऑफ 12.5%, 12.5% मतलब 1/8 ही होता है ना, 25% मतलब 1/4, तो 12.5% मतलब 1/8 ही होगा, ठीक है। पर एनम फॉर 3 ईयर इज 1085 एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड 512, 8 × 64
512 का 1/8 करना, 8 6 48, 32, 8 4 32, ठीक है, 64 × 3 132, ठीक है, 64 का 1/8 करोगे तो 1/8 हो गया, 8 × 3 भी ठीक है 24, फिर 1 × 1 भी 1 सही है। ओहो, 64 × 3 कितना होता है, 192, ये कितना हो जाता, कितना हो जाएगा, 4 × 2 6 और 1 7, 19 और 2 21, 217, 217 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1085 हो जाएगा, मतलब 217 की वैल्यू क्या है, 1085, तो 1 की वैल्यू 5 हो गई, तो 512 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2560, बी आंसर। अब आप मुझे पता है बोथ के कितना, 3 3 1 वाला समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, मैं बताता हूँ क्या है, 12.5% है, मतलब क्या है 1/8 है। आप प्रिंसिपल क्या मानोगे, 3 साल है, मतलब 8 का क्यूब कितना, 512, 512 प्रिंसिपल था, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/8 होगा, 12.5% से कितना, 64, दूसरे साल 512 पे लगेगा, कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, बट जो पहले साल 64 हुआ था उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि ये सीआई पे है, तो 64 पे कितना मिल जाएगा, 8 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर इन 512 पे तो 64 मिलेगा ही मिलेगा, जो पहले साल 64 हुआ था उस पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 64 का 12.5% यानी 1/8, 8, फिर दूसरे साल 64 हुआ उसका भी मिलेगा, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, तीसरे दूसरे साल जो 8 रुपये हुआ था उसका भी मिलेगा 1 रुपये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अब देखो 64 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 64 × 3, 8 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो इन सब का सम करना था। अब आप कहोगे कि ये 3 3 1 याद कैसे रहेगा, दोबारा बता दें, बहुत बार बताया भी है, कैसे याद रखोगे, 1 साल का क्या होता है, 1 ही होता है, 2 साल का क्या होता है, आपको पता होगा 2 1 होता है, 2 1 अभी बताया ना, 512 के ऊपर पहले 64, फिर दूसरे साल का 64, बट 64 पे भी 1 8, 2 साल का, 3 साल का क्या हो जाएगा, 3 3 1, 4 साल का क्या हो गया, 4 6 4 1, 5 साल का क्या हो गया, 5 10 10 5 1, 6 साल का क्या हो गया, 6 15 20 15 6 1, 7 का क्या हो गया, 7 21 35 35, 21। अब आप कहोगे क्या है, ये याद है क्या, नहीं नहीं भैया, देखो बढ़ता जा रहा है, देखो सेम का सेम आ रहा है, राइट, बीच में देखोगे तो 2 + 1 कितना होता है, 3, तो 3 आ गया, 3 3 1 में क्या किया, 1 2 से तो 3 आ गया, और 1 1 से 1 आ गया, बीच वाली वैल्यू क्या हो गई, 2 + 1 का सम हो गया, फिर आगे करोगे 3 से 4 आ गया, 1 से 1 आ गया, बट बीच में 3 + 3 करोगे तो 6 आ गया, 3 + 1 करोगे तो 4 आ गया, ऐसे 3 से 4 आ गया, और फिर उसके बाद 4 + 6 करोगे, 4 से 5 हो गया, 4 + 6 करोगे तो 10 हो गया, 6 + 4 करोगे तो फिर से 10, 4 + 1 5, और लास्ट में 1, फिर 5 से 6 आ गया, 5 + 10 करोगे तो 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, फिर थोड़े दिन बाद याद भी रहने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 24, 15 नंबर का एवरेज कितना है, एक मिनट, व्हाइट पेन यूज किया था ना, तभी नहीं दिख रहा, 15 नंबर का एवरेज कितना है आपके पास, 24, बेस्ट 8 नंबर का एवरेज कितना है, 20, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर का एवरेज कितना है, 28। तो पूछ रहे हैं मिडिल नंबर कितना हो जाएगा, मिडिल नंबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये क्या कर दिया, राइट, ये 24 से कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है ना, 8 जनों का 4 कम हो रहा है, मतलब टोटल कितना कम हो गया, 32 कम हो गया, इन 8 जनों का 24 से 4 ज्यादा हो रहा है, 4 ज्यादा हो रहा है, मतलब टोटल कितना ज्यादा हो गया, 32 ज्यादा हो गया, ये 32 कम था, ये ज्यादा था, क्या हो गया, 32 कम 32 ज्यादा, मतलब इक्वली रह रहे हैं, मतलब इस बीच वाला जो नंबर दोनों साइड ऐड हुआ है उसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा,
कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, सेम का सेम नंबर हो जाएगा। ऐसे ना करना चाहो तो टोटल करके देख लो भैया, 15 × 24 कितना हो जाएगा, टोटल 360 हो गया, 8 × 20 कितना हो गया, 160 हो गया, 8 × 28 कितना हो जाएगा, 224। तो ये टोटल कितना हो गया, 384। जबकि होना कितना चाहिए था 360, क्यों ये 384 क्यों हुआ, क्योंकि बीच वाला नंबर कितनी बार, दो बार काउंट हो गया, तो कितना काउंट ज्यादा हुआ होगा, 24 ज्यादा काउंट हुआ होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितनी ज्यादा है, 25%। 25% कितना होता है, 1/4। सीपी अगर 4 तो एसपी कितना हो गया, 5 हो गया। इफ द आर्टिकल इज मार्क्ड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल को 50% अबव मार्कअप कर दिया किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4, 4 का 50% कितना हो गया, 2, 6 हो गया। देन हाउ मच डिस्काउंट वाज प्रोवाइडेड, प्रोवाइड डिस्काउंट कितना दिया, 1 का दिया 6 पे, परसेंटेज कितना आ जाएगा, 16.66%, यानी 19 का ये आंसर हो गया। ए बॉय रीच हिज स्कूल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम, होम से स्कूल जा रहा है, कितने किलोमीटर है डिस्टेंस, 30 किलोमीटर इन आवर, एक आवर, एक आवर में जाता है, तो बॉय की स्पीड क्या हो गई, 30 किलोमीटर एक आवर में चला जाता है, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई इसकी, ठीक है। इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाई 20%, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई हिम टू रीच द रेलवे स्टेशन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। अब ये क्या करता है, इंक्रीज कर लेता है 20% खुद की डिस्टेंस स्पीड को, तो 30 को 20% इंक्रीज करेगा तो कितना, 6 इंक्रीज, मतलब 36 हो गई स्पीड। अब 36 की स्पीड से कितनी दूर जा रहा है, 540 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो 540/36 कर दो, कितना हो गया, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, तो 30/2 कितना हो गया, 15 आवर, यानी ए आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे अपनी चेकलिस्ट सेकंड की अर्थमेटिक कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन क्या करेंगे, डीआई करेंगे डेली की तरह, और क्या करेंगे, पहले डीआई देखते हैं, कट रही है क्या मेरी वजह से, कट जाते हैं। द डाटा ऑफ फोर शॉपकीपर आर कलेक्टेड अबाउट मेनली 3 प्रोडक्ट्स, चिप्स, चॉकलेट एंड कोल्ड ड्रिंक। The column graph shows the total number of chips, chocolate and cold drink sold by 4 different shop and the number of chocolate sold by them respectively. जो column graph है वो क्या क्या बता रहा है, एक तो बता रहा है टोटल आइटम कितने सोल्ड हो गए चारों दुकान से, और एक चॉकलेट कौन कितनी कितनी सोल्ड हो रही है सब दुकानों से, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद क्या हो रहा है, द लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ चिप्स सोल्ड आउट ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड बाय द गिवन शॉप्स, स्टडी द डाटा केयरफुली। टोटल आइटम अगर S1 की बात करें तो S1 ने कितने सोल्ड आइटम कर दिए, आपको हो गए 1000। चॉकलेट कितनी सोल्ड की है S1 ने, अब आपको हो गए 250 का गैप है, और लाइन कितनी है, 2, 3, 4, 5 लाइन है, 250 का गैप, मतलब एक लाइन कितने की होगी, 50 की होगी, तो 500 से दो लाइन कम मतलब 100 कम, यानी 400 होगी, 1000 में से 400 तो क्या है, चॉकलेट होगी। अब ये किसकी है, चिप्स है परसेंटेज, 1000 का 20% कितना हो गया, 200 क्या हो गई, चिप्स हो गई, तो रिमेनिंग क्या हो गई, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कितनी हो जाएंगी S1 शॉप की, 400 चॉकलेट, 200 चिप्स, कितनी, 600, मतलब कोल्ड ड्रिंक कितनी हो गई, 400 हो गई। ऐसे ही अपने को डाटा निकालना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। The total number of cold drinks sold by S3 and S4 together, S3 और S4, S3 के total item कितने sold हो रहे हैं, 1000 से दो लाइन कम मतलब 100 कम यानी 900, S4 के total item कितने sold हो रहे हैं, 500, तो S3 की चॉकलेट कितनी sold हो रही है, 500, और S3 की चिप्स कितनी है, 15 और 2 17%, तो 900 का 17% कितना हो गया, 900 का 17% पता नहीं मार्का है, 153,
ठीक है, 153 इसकी चिप्स होगी, 500 इसकी चॉकलेट होगी, तो रिमेनिंग कितनी थी चॉकलेट जाने के बाद, 400, 400 में से 153 चिप्स, तो कोल्ड ड्रिंक कितनी होगी, 400 माइनस 150 करोगे 250, तो ये 247 होगी कोल्ड ड्रिंक S3 की। S4 में टोटल 500 है, 500 में से 250 क्या है चॉकलेट है, और 25%, 500 का 25% यानी 125 क्या है चिप्स है, तो 500 में से 250 चला गया, 250, 250 में से 125 चला गया, तो 125 क्या आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया ये 7 5 12, 3 4 3 7, 372 टोटल कोल्ड ड्रिंक सोल्ड हो गई S3 और S4 से। ये कितनी परसेंटेज ज्यादा या कम है इससे चिप्स सोल्ड बाई S1 एंड S2, S1 और S2 की कितनी चिप्स सोल्ड हुई, S1 की टोटल आइटम कितने हैं 1000, चिप्स कितनी है 20%, 20% कितनी हो गई 1000 का 200, S2 में कितने हैं टोटल आइटम 500 का 100 ज्यादा यानी 600 हो गया, तो 600 का कितना 35%, 35% कितना हो गया 600 का, 53 36 18 210, तो टोटल कितना हो गया 410, तो ये 410 से 372 कितना कम है आप कहोगे 28 प्लस 10 38, 38 कम है किससे 410 से, परसेंटेज कितना हो जाएगा 10 से 10 380/41, अब 41 से, अब ये तो 10% तो हो नहीं सकता क्योंकि 410 होना चाहिए था, अगर मैं इसको 410 माइनस 30/41 लिख दूं तो ये कितना हो गया 10% माइनस 30/41 कितना हो जाएगा, क्या 1% हो सकता है, नहीं होगा, 1% से भी कम होगा, 10% माइनस 1% से भी कम यानी एप्रोक्स क्या हो गया 9%, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा राइट। के बाद सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक सोल्ड बाय S1 एंड S2, S1 की कितनी है टोटल आइटम 1000, उनमें से 500 माइनस 100 यानी 400 क्या हो गई चॉकलेट हो गई, और 200 क्या है चिप्स है, तो कोल्ड ड्रिंक कितनी हो गई S1 की 400, S2 की बात करें S2 में टोटल आइटम कितने हैं 600, 600 का 200 क्या है चॉकलेट, और 600 का 35% यानी 210 क्या है चिप्स है, तो टोटल कितना हो गया चिप्स और चॉकलेट 410, 600 माइनस 410 कितना हो जाएगा 190, ये तो S1 की थी 400 और S2 की कितनी होगी 190, तो टोटल कितनी होगी 590, 590 एवरेज कितना हो जाएगा 580 यानी 290, तो 295 हो गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ चिप्स सोल्ड बाई S3, S3 की टोटल चिप्स, S3 के टोटल आइटम कितने हैं 1000 माइनस 100 यानी 900, 900 का कितना 17%, 900 का 17% कितना हो गया 153, तो 153 295 और 153 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2 9 माइनस 5 4 142, 142 यानी डी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर लोगे अब आप, ये भी कर लोगे, ये बता देता हूँ, द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाई S1 एंड S2 टुगेदर, S1 और S2 की चॉकलेट, S1 की चॉकलेट कितनी है 400, S2 की चॉकलेट कितनी है 200, तो टोटल कितनी होगी 600, ये अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज ज्यादा है कोल्ड ड्रिंक सोल्ड बाई S1 एंड S2, S1 और S2 की कोल्ड ड्रिंक, S1 और S2 की कोल्ड ड्रिंक अभी निकाली थी अपन ने, कितनी 400 और 190, कितनी होगी 590, 590 से कितना ज्यादा है ये 10 ज्यादा है किससे 590 से, 10 से 10 तो ये कितना आ गया 100/59, 100/59 यानी लगभग 2%, 2% 108 होता है 59 का, बट अप्रोक्स लेना है तो 2% बोल सकते हैं। नेक्स्ट डी का सेट देखते हैं, द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल्स अबाउट, एक मिनट, द डाटा इज कलेक्टेड, द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द 5 डिफरेंट स्कूल्स अबाउट 12 स्टूडेंट, द ग्राफ गिवन धूप आ रही है ना, यहां से हटा लेता हूं तब सही आता है चेहरा, हटते ही धूप आ रही है, कोई बात नहीं। द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल्स अबाउट क्लास 12 स्टूडेंट,
ट्वेल्थ क्लास की बात कर रहे हैं। द ग्राफ गिवन शोज द स्टूडेंट्स हु आर द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर एंड बिलो एंड अबव 18 ईयर ऑफ एज स्टडी द डाटा केयरफुली एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी क्लास के अंदर 50 कौन है, 18 और 18 से कम वाले, और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लाइन है, टोटल गैप कितना है 25, मतलब एक लाइन 5 की हो गई, ये कितना हो गया 80। बी क्लास में 80 स्टूडेंट कौन हो गए जिनकी एज 18 ईयर से अबव है। वैसे अपन क्वेश्चन वाइज करते हैं, दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर एंड बिलो फ्रॉम स्कूल पी, पी स्कूल के अंदर 18 और 18 से बिलो वाले कितने हैं, 50 है ना, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 18 ईयर फ्रॉम स्कूल एस एंड टी टूगेदर। एस में अबव 18 वाले कितने हैं, इतने हैं, ये कितने हैं 50 से 2 लाइन ऊपर यानी 60 हो गया। टी में कितना है 50 से 2 लाइन कम यानी 40, तो टोटल कितना हो गया 100। तो 100 से 50 कितना कम है, 50%, 50 ही कम है यानी 50% ही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन स्कूल क्यू द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स फॉर स्टूडेंट्स एज 18 एंड बिलो, 18 एंड बिलो वाले स्कूल क्यू में हैं कितने, आप हो गए 100 से 2 लाइन कम यानी 90 हो गए। इन 90 का रेशियो क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है, और जो ऊपर वाले ना 18 से ऊपर वाले वो कितने हैं स्कूल क्यू में, 125 से 1 लाइन ऊपर यानी 130 हो गए। इनका रेशियो क्या दे रखा है बॉयज टू गर्ल्स का, 6:4। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स ऑफ स्कूल क्यू विच आर 18 ईयर एंड बिलो, गर्ल्स का डिफरेंस बताना है, रेशियो में टोटल कितना, 3 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 30, तो बॉयज कितने हो गए 60, गर्ल्स कितनी हो गई 30, यहाँ पे रेशियो में टोटल कितना 13, 13 की वैल्यू 130 मतलब 1 की वैल्यू 10, तो बॉयज कितने हो गए 60, गर्ल्स कितनी हो गई 70, तो दोनों जगह की गर्ल्स में डिफरेंस कितना हो गया 40, यानी सी आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स एज, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये बता रहा हूँ, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 18 ईयर ऑफ एज स्कूल फ्रॉम पी आर एस टी, पी में अबव एज वाले कितने हैं 80, फिर आर, आर में कितने हैं 100, एस में कितने हैं 50 से 2 लाइन ऊपर यानी 60, और टी में कितने हैं 50 से 2 लाइन कम यानी 40, तो टोटल कितना हो गया ये, तो 200, 280, 280 बटे 4 करोगे क्योंकि एवरेज लेना है, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये कितना ज्यादा या कम है किससे, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर एज 18 ईयर बिलो पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी जिनकी एज बिलो है, पी में कितनी है बिलो वाले 50, क्यू में कितने हैं 100 से 2 लाइन कम यानी 90 हो गए, आर में कितने हैं 50 से 1 लाइन ऊपर यानी 60 हो गए, टी में कितने हैं 125 से 1 लाइन कम यानी 120 हो गए। तो ये गोले गोले वाले कितने हो गए, 180 और 90, 270, 270 प्लस 50 320, तो 320 का एवरेज कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों में 10 का, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्कूल क्यू क्लास 12 हैज ए टोटल ऑफ 350 स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इज 18 ईयर एंड बिलो टू दैट ऑफ द अबव 18 ईयर्स इज 4:3। 350 टोटल स्टूडेंट है, उनका रेशियो क्या है 4:3, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 7 की वैल्यू 350 मतलब 1 की वैल्यू 50, 4 की वैल्यू क्या हो गई 200, 3 की वैल्यू क्या हो गई 150, ये 200 कौन है जो बिलो 18 वाले हैं, और 150 कौन है जो 18 ऊपर से बड़े बिलो और इक्वल वाले हैं 18, ये 200। एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स एज्ड अबव 18 ईयर, जो अबव 18 वाले हैं उनमें बॉय और गर्ल्स का रेशियो क्या है 3:2, 3:2 में रेशियो में टोटल कितना 5, 5 की वैल्यू 150 मतलब 1 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 90, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 60। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल यू एज अबव 18 ईयर, 18 ईयर से ऊपर वाली गर्ल्स कितनी होगी 60, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं, ग्राफ गिवन शोज द परसेंटेज ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ टू द गिवन चैनल्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द ओनर, द टोटल नंबर ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई वेयर 35,000, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग।
टोटल गुड्स कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 35,000 में से, चैनल वन में कितना सोल्ड हो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इतना। अब ये कितना है, 5 का गैप है, 3, 4, 5 लाइन का गैप है और 5 का गैप, तो 1 लाइन एक की, 2 लाइन कितनी की होगी, 2 की, 17%, ये कितना हो गया 23%, ये कितना हो गया 25 और 2, 27%, और चैनल 4 में कितना हो जाएगा 20 से 1 कम यानी 19%, और चैनल 5 में कितना हो जाएगा 14%। टोटल तो 100% हो गया ना, ये 17 और 23 40, 40 और 46, 86 ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय चैनल 4, चैनल 4 में गुड्स कितना मिल रहा है 19%, ये कितना ज्यादा या कम है किससे, टोटल नंबर ऑफ गुड्स रिसीव्ड चैनल 5, चैनल 5 में कितना मिल रहा है 14%, 19% 14% से कितना ज्यादा है, आपको ये 5% किसका, 35,000 का, 35,000 का 5%, 10% कितना होता है 3,500, तो 5% कितना हो जाएगा 3,500 का हाफ यानी 1,750, ए ऑप्शन। एंड द टोटल नंबर ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय चैनल 1 2 3, 1 2 3 में, 1 में कितना है 17%, 2 में कितना है 23, और चैनल 3 में कितना है 27, 23 और 17 40, 40 और 27 67%, किसका, 35,000 का, 35,000 का 67% कितना हो जाएगा 67 × 350 हो जाएगा, तो ये 7 × 50 कर लो इसको, 67 × 7 कितना हो जाएगा 7 × 7 49, 4 × 7 = 42 और 4 = 42, 469 × 50 कितना हो जाएगा 0 × 9 = 45, 4 × 5 = 30 और 4 × 34 = 520, 23,450 यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर सकते हो आप, डायरेक्ट कर लेना, द चैनल रिसीव्ड बाय चैनल 3, द गुड रिसीव्ड चैनल 3 में कितना गुड रिसीव्ड हुआ है 27, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द गुड्स रिसीव्ड बाय चैनल 2, चैनल 2 में कितना रिसीव्ड हुआ है 23, 23 से कितना ज्यादा है 4, इससे 23 से परसेंटेज ले लोगे तो कितना हो जाएगा 400/23, अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 170, 170, 170 यानी 23 × 7 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ कर सकते हो आप, फिफ्थ भी कर सकते हो, तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ रिमेनिंग रखता हूँ आपके लिए, उनका क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो चाहो तो कमेंट सेक्शन में। तो ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए।